अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। इस मौके पर आज हम आपको कुछ ऐसे योग आसनों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसका अभ्यास करके आप प्रजनन अंगों को स्वस्थ कर सकते हैं। आज आप सीखेंगे मूलबंध का अभ्यास। मूलबंध हम इस प्रकार से क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठेंगे, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या फिर चौकड़ी मार करके। हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेंगे और अपने घुटनों पर टिका देंगे। आंखों को बंद कर लेंगे, श्वास प्रश्वास बिल्कुल नॉर्मल। और अब नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ अपने गुदा को, अपने एनस को, जहां से हम स्टूल डिस्चार्ज करते हैं, तो अपने एनस को कॉन्ट्रैक्ट करना है और उस कॉन्ट्रैक्शन को आप लोअर एब्डोमेन तक और अपनी जांघों तक महसूस करेंगे। देखिए कैसे करना है। आंख बंद, नॉर्मल ब्रीदिंग, अपने गुदा को पूरी तरह से संकुचित कर लेना, होल्ड इट टाइट। और इस वक्त उस खिंचाव को हम अपने लोअर एब्डोमेन पे, थाइस पर, पूरे इस एरिया में महसूस कर रहे हैं। जितनी देर रुक सकते हैं, क्योंकि श्वास नॉर्मल है तो आप कितनी भी देर रुक सकते हैं। और फिर एनस को रिलीज कर देंगे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। मूल बंध का अभ्यास आरंभ में बार बार टूटेगा, तो आप बार बार लगाइए। और फिर जब अभ्यास बनने लगेगा तो 10 मिनट तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को तो स्वस्थ रखेगा ही रखेगा, साथ में ये आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसके साथ साथ हमने आपसे कहा था जाने से पहले कुछ बहुत आसान से तरीके बताएंगे। लैपटॉप को गोद में ना रखें, लैप बच्चे को बिठाने के लिए होती है, लैपटॉप को बिठाने के लिए नहीं। तो जब आप लैपटॉप पे काम करें उसे टेबल पर रखें, अपनी जेब में मोबाइल फोन लेकर के ना घूमें, और रात्रि में सोते समय मोबाइल फोन को अपनी रेंज से बाहर रखें। और विशेष रूप से अगर बहुत वाईफाई की रेंज के बीच में आप सो रहे हैं तो ये आपके प्रजनन अंगों के लिए और आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। आप हमारा कार्यक्रम देखते रहें। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने।